जिला जज द्वारा अधिवक्ताओं के साथ किए जा रहे अपमानजनक व्यवहार को लेकर चल रहा अधिवक्ताओं का आंदोलन और तेज हो गया। बार एसोसिएशन और दी लायर्स एसोसिएशन की सहमति से आज से काम ठप करने का ऐलान किया गया। जिला जज के स्थानांतरण होने तक कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया गया। देखिए विकास सिंह की खास रिपोर्ट कानपुर से। उनके साथ हर समय पर हर कदम कदम के साथ खड़े होने का कार्य करें तो संदीप जैन क्या नरेश चंद का त्रिपाठी जी का तो पुराने इतिहास ही बताता है कि उनके अंदर जो संघर्ष की क्षमता है। आज जो न्याय कार्य से विरत है आप सभी लोग अधिवक्तागण, इसके परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिला जज संदीप जैन के अमर्यादित भाषा, गंदे आचरण और भ्रष्टाचार को लेकर कानपुर का अधिवक्ता बहुत दिनों से परेशान दुखी था, जिसको लेकर 15 मार्च 2023 को एक आम सभा में निर्णय लिया गया कि जिला जज के न्यायालय का बहिष्कार हो। माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय से मांग की गई कि इनके भ्रष्टाचार की जांच करते हुए इनका स्थानांतरण किया जाए, किंतु माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने हम लोगों की नहीं सुनी। आज 10वें दिन 3 दिन लगातार जो हमारी आम सभा चली दोनों संस्थाओं की, कानपुर बार एसोसिएशन दी लायर्स एसोसिएशन की, उसमें यह निर्णय लिया गया कि अब हम सब लोग न्यायिक कार्य से और प्रशासनिक कार्य से विरत रहेंगे। तो आज आपने देखा होगा रजिस्ट्री ऑफिस, कंज्यूमर फोरम, मोटर व्हीकल एक्ट, कॉमर्शियल कोर्ट सहित सभी कुछ बंद है। हम सभी लोग तहसील भी, हम सभी लोग कार्य से विरत हैं। जब तक भ्रष्टाचारी, अमर्यादित, असंस्कारी जिला जज के खिलाफ उचित जांच होकर स्थानांतरण नहीं होगा, तब तक हम लोग कार्य से विरत रहेंगे। आज चारों तरफ गेट में ताला बंद है, कोई भी आदमी नहीं घुसा है। इनको शर्म आनी चाहिए, जनपद न्यायाधीश को स्वयं इस्तीफा दे के चला जाना चाहिए या माननीय उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय इनका तत्काल स्थानांतरण करें। ये जिला जज के विरुद्ध जो आक्रोशित आम जनमानस का अधिवक्ता समाज, जिसका दोनों संस्थाएं नेतृत्व कर रही हैं, लायर्स एसोसिएशन एवं बार एसोसिएशन, दोनों संस्थाएं बराबर निरंतर शांतिपूर्वक धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, सूचना माननीय जिला जज के विरुद्ध सीजे माननीय एजे हाईकोर्ट सबको जानकारी देने के बाद भी इनका यहाँ से स्थानांतरण न होना, क्योंकि जब अधिवक्ता समाज ही इनसे संतुष्ट नहीं है तो इनका काम करने का इस कानपुर न्यायालय में कोई मतलब नहीं है। कानपुर न्यायालय की कचहरी एशिया की सबसे बड़ी कचहरी है और यहाँ का अधिवक्ता एक से एक बढ़कर क्रांतिकारी अधिवक्ता हैं। यहाँ के जो पूर्व हमारे दिवंगत अधिवक्ता हैं, उन लोगों ने इतिहास लिखा है जो संपूर्ण भारत को व्याप्त है। यहाँ कानपुर की पावन धरती पर कोई भी इस तरीके का अमर्यादित जिला जज काम नहीं कर सकता। इसके लिए दोनों संस्थाएं और पूरा कानपुर नगर का वकील इनको जब तक भगा नहीं लेगा तब तक सांस नहीं लेगा। मेरा ये कहना है, जब आप कहीं पर आए हैं और आपका सम्मान नहीं हो रहा है, आपके आचरण के विरुद्ध परिवार के लोग आपके आचरण का विरोध कर रहे हैं, तो आपको चले जाना चाहिए। यदि किसी के घर में कोई भी मेहमान आता है, अगर हम उसका सम्मान नहीं करते हैं, उसका आदर नहीं करते हैं, तो ज़बरदस्ती रुका है ना, हम उसको बिस्तर दे रहे हैं, ना उसको हम पानी दे रहे हैं, ना उसको बैठने कह रहे हैं, ज़बरदस्ती पर आए दरी बिछाए। तो मेरा ये कहना है कि वो अपना स्थानांतरण स्वयं करा लें, नहीं तो आंदोलन बहुत तीव्र गति पकड़ेगा और हम लोग पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे जब तक मेरी मांगे पूरी नहीं होंगी। दोनों संस्थाएं और कानपुर का सम्मानित अधिवक्ता तन मन धन से लड़ेगा और कामयाबी पाएगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद।